राजस्थान राज्यसभा उपचुनाव, राज्यसभा उपचुनाव नामांकन पत्रों की जांच, 5 सही 1 रद्द। बीजेपी उम्मीदवार अवनीत सिंह बिट्टू का नामांकन सही पाया गया। बीजेपी के डमी उम्मीदवार सुनील कोठारी का नामांकन भी सही पाया गया। निर्दलीय प्रत्याशी बबीता वाधवानी के एक नामांकन पत्र को रद्द किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्रों की जांच की वीडियोग्राफी भी की गई। पर्यवेक्षक एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की उपस्थिति में जांच हुई। निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा और सहायक निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार शर्मा ने जांच की। 27 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं और 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राज्यसभा उपचुनाव की गूंज और तेज हुई। अब 3 सितंबर को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले कल यानी कि 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख थी। नामांकन दाखिल हो चुके हैं, अब आज नामांकनों की जांच की गई। स्क्रूटनी के बाद 5 सही तो वहीं 1 गलत अर्थात रद्द किया गया 1 नामांकन पत्र। अब 27 अगस्त को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और उसके बाद 3 सितंबर को मत डाले जाएंगे। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, राजस्थान की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव सीट 1, लेकिन चर्चा नामांकन पत्र दाखिल करने की संख्या को लेकर भी थी, लेकिन अब चर्चा उस रद्द नामांकन की है, बताइएगा योगेश। देखिए, पूरी तरह चुनाव अब साफ हो चुका है। 3 नामांकन अलग अलग लोगों के आए थे। बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने नामांकन दाखिल किया जो अधिकृत प्रत्याशी थे। बीजेपी के डमी उम्मीदवार सुनील कोठारी ने नामांकन दाखिल किया था और 4 सेट रवनीत सिंह बिट्टू के थे, 1 सेट सुनील कोठारी का था और 1 इंडिपेंडेंट के तौर पर भी एक नामांकन आया था, वो एक महिला बाधवानी का था जिसे रद्द कर दिया गया है। और रवनीत सिंह बिट्टू और सुनील कोठारी का नामांकन सही पाया गया है। अब नाम वापसी का दिन है 27 तारीख, उस दिन सुनील कोठारी अपना नाम वापस ले लेंगे और उनका नामांकन वापस होते ही रवनीत सिंह बिट्टू डिक्लेयर हो जाएंगे और उन्हें सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता पूरी की जाएगी। चुनाव अधिकारी नवीन महाजन, विधानसभा के प्रमुख सचिव और रिटर्निंग चुनाव अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा, सतीश कुमार शर्मा जो निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने आज नामांकन पत्रों की जांच की, स्क्रूटनी की और उसके बाद दिल्ली जो केंद्रीय चुनाव आयोग उसको भी अपनी रिपोर्ट भेज दी है और राज्यसभा चुनाव के तहत रवनीत सिंह बिट्टू का नामांकन सही पाया गया है। उनके 4 सेट थे उनकी तरफ से, वो सही पाए गए और साथ ही सुनील कोठारी जो डमी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे, एहतियात के तौर पर उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, उनका नामांकन सही पाया गया और 1 इंडिपेंडेंट MLA इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट के तौर पर था वो नामांकन रद्द कर दिया गया। तो 2 नामांकन सही पाए गए और 5 सेट सही पाए गए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निर्विरोध निर्वाचन का जो रास्ता है रवनीत सिंह बिट्टू का वो प्रशस्त हो चुका है। फॉर्मेलिटीज जो होती है, वैधानिकता होती है, वो खाली शेष है, बाकी निर्विरोध नामांकन का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। और इसके साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू 27 तारीख को औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, उनको विजेता घोषित कर दिया जाएगा और बिना किसी हडल, बिना किसी चुनावी घमासान के, बिना किसी कांग्रेस उम्मीदवार का सामना किए बगैर रवनीत सिंह बिट्टू अब राज्यसभा के सांसद कहलाएंगे। इससे पहले वो लोकसभा के सांसद थे पंजाब से, अब वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद होंगे और पहले से ही वो मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर स्थापित हैं। तो ऐसे में राजस्थान से मंत्रियों का कोटा भी बढ़ चुका है। प्रेम सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी पहले से ही मोदी सरकार में राजस्थान कोटे से मंत्री हैं। तब 5वें मंत्री के तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू भी कहलाएंगे। कुल मिलाकर जिस तरह के नामांकन पत्र की जांच हुई है उससे इस चुनाव को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। जी ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।